तो ये एलजी कंपनी में काम करने वाला वर्कर है और ये देखिए एलजी कंपनी का गेट नंबर 1 है, तो इधर ही आना पड़ेगा आप लोगों को ज्वाइन के लिए। एलजी कंपनी जो है हमारे पीछे है, ये गेट नंबर 1 है, तो इसमें टोटल 5 गेट है, ठीक है, 5 नहीं 7 गेट है। तो सभी गेट तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, लेकिन चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं। तो अभी क्या हुआ ना, मैं वर्लपूल कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरा अभी शिफ्ट का छुट्टी हुआ है, ठीक है। तो सो गाइस, आप लोग देख सकते हो वर्लपूल कंपनी है और मैं इसकी इसी कंपनी के बगल बगल में जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये गेट नंबर 5 है और इधर से लोडिंग और अनलोडिंग का काम होता है। अभी मैं एलजी कंपनी के बगल बगल में चल रहा हूँ, ठीक है। जो वर्लपूल कंपनी है उसके एकदम जस्ट बगल में एलजी कंपनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोगों का हेल्प हो। और बहुत सारे लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करें कि भाई एलजी कंपनी का वीडियो बनाओ और उसमें पूरा डिटेल में बताओ, सैलरी कितना है, पीएफ कटता है कि नहीं, खाना है कि नहीं, बस कैंटीन है कि नहीं, मेल फीमेल जॉब कर सकते हैं या फिर मेल ही कर सकते हैं। तो पूरा मतलब इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखते हैं बिना स्किप किए तो सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा एक ही वीडियो में, ठीक है। तो अभी पूछते हैं भाई से इसमें खाना कैसा है। खाना ठीक ठाक है। आप कहाँ से, ये बताओ पहले। हम बिहार के रहने वाले हैं। ये देखिए, ये बिहार का है और बिहार से आके यहाँ पे पुणे में जॉब कर रहा है, तो आप लोग भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाला बात नहीं है, ठीक है। अगर हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं मेरे वीडियो में कि एलजी कंपनी तक कैसे आएँ और इधर तक आने का मेरे को रास्ता नहीं पता है, ठीक है। तो देखिए, आप लोग यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा कहीं से भी हो, आप लोग नगर या पुणे के लिए ट्रेन पकड़िए और उधर से बस आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, रंजनगांव। और रंजनगांव MIDC में ये कंपनी पड़ता है, ठीक है। तो उधर से आप लोग आराम से आ सकते हैं इस कंपनी तक, नहीं तो गूगल मैप लाइव लोकेशन चालू करके यहाँ तक पूरा पहुँचा देगा गूगल मैप, किसी से भी पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंपनी में बस वस है कि नहीं, ये बताओ। बस भी है जो बस है, बस का पैसा कटता है कि नहीं। पैसा कटता है। हाँ, अच्छा, संडे संडे छुट्टी रहता है। संडे रहता है, हॉलीडे रहता है और 26 डे चलता है, वर्किंग डे रहता है इसमें। और ओटी देता है कि नहीं। ओटी मिलता है डेली। हाँ, ओटी भी चलता है इस कंपनी में। और सैलरी कितना है, 26 ड्यूटी का? सैलरी इसमें 16,000 है, काट छाट के पूरा कटिंग करके। बस का टाइम का अलग से है। हाँ, बस कैंटीन का काट के जो आपका आएगा 26 दिन का, 16,000 आएगा, ठीक है। अगर आप लोग ओटी करते हैं तो 120 रुपया घंटा है, तो 4 घंटा अगर आप लोग डेली ओटी करेंगे तो आप लोग हिसाब कर लीजिए, अच्छा खासा सैलरी 25 से 30,000 मंथली आप लोग कमा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये बताओ एलजी कंपनी में बनता क्या है और काम कैसा होता है? फ्रिज बनता है, एसी बनता है, टीवी बनता है, स्टेबलाइजर बनता है, जितना एलजी का प्रोडक्ट होता है इसमें 10% यहाँ पे बनता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितना भी होता है ना सामान, वही सब बनता है। और काम लाइन पे होता है या ऑफलाइन? लाइन पे काम है, लाइन पे भी है, ऑफलाइन ऑफलाइन का भी है, दोनों काम है। और अच्छा कंपनी है, आप लोग चाहे तो इधर में आ सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। और कॉन्ट्रैक्टर का अगर आप लोगों को नंबर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया मेरे को भी ज्वाइनिंग करना है, और कॉन्ट्रैक्टर का नंबर तो मैं वीडियो में दूँगा, ठीक है। तो बस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, और आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए कि भाई हाँ हमको ये प्रॉब्लम है, और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, तो मैं जो है मैं कमेंट को पढ़ता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में भी आइडिया आता है, तो उसी हिसाब से मैं जो है वीडियो बनाऊँगा, ठीक। मिलते हैं किसी अच्छे से अगले वीडियो में, अच्छे से कंपनी के साथ में, ठीक है।